Hello and welcome everyone to our channel Z2Y Tutorials. I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. Last lecture mein humne fundamental theorem of arithmetic padha tha aur uske basis pe kuch questions humne solve kiya tha aur SCF aur LCM bhi humne solve kiya tha wahan se. Aaj ki class mein hum ek SCF LCM ka ek important property ko dekhenge. To wo property kya hota hai hame ki किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को प्रोडक्ट किया जाए तो वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर. दैट मींस वी कैन से लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी कैन से दैट the product of A and B, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एच सी एफ एंड एल सी एम. इसने क्या कहा कि उन दोनों नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर. दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम. इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू एचसीएफ. किसका एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ. एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड विद एलसीएम ऑफ ए बी. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा है. ये हमारा इक्वेशन मिल गया. यहाँ पे चार वेरिएबल हैं, ए बी एस सी एफ एंड एल सी एम. इन चार में से कोई भी किसी भी तीन के बारे में पता होगा, हम फोर्थ अपने आप सॉल्व करके इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. अब ये प्रॉपर्टी ट्रू क्यों है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है क्या वो सही है या फिर गलत है. इसको समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से हम, लेट्स से अगर मैंने एग्जाम्पल लिया दो नंबर लाइक ए इज इक्वल टू 24 एंड बी इज इक्वल टू 64 एंड 64 जब हम लेंगे और चेक करते हैं कि मेरा ये जो इक्वेशन लिखा है हमने वो सही है या गलत है. इसके लिए क्या करते हैं, पहले एल एच एस निकालते हैं फिर आर एच एस निकालेंगे. अगर दोनों इक्वल आ गया दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज ट्रू. लेट्स स्टार्ट विथ एल एच एस. क्या करना है एल एच एस में, दोनों पॉजिटिव नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है. तो 24 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 1536. यह आ गया हमारा एल एच एस. अब यही नंबर आर एच एस को मल्टीप्लाई करने के पर भी आना चाहिए. अब कैसे करेंगे, तो मुझे पहले इन दोनों का एस सी एफ पता होना चाहिए और एल सी एम पता होना चाहिए. तो एस सी एफ और एल सी एम किसी भी मेथड से निकाल लो. फॉर एग्जांपल अगर हमें एस सी एफ निकालना है या एल सी एम निकालना है, क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे. क्या होगा, 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, 2, 2 एंड 3. ठीक है, नेक्स्ट 64 कितना होगा इसका, 2 × 6 ये क्या बन गया, 2 × 3 एंड दिस वन 2 to the power 6. अब मैंने बताया था कि एच सी एफ क्या होता है. एच सी एफ जो दोनों हम नंबर है उसमें जो कॉमन पार्ट है, जैसे कि यहां पर कॉमन सिर्फ 2 है, उस कॉमन पार्ट में जो लोवेस्ट पावर वाला है उसको हम ले लेते हैं. तो दोनों लोवेस्ट, कौन सा लोवेस्ट पावर है, 2 to the power 3. दैट मीन्स एचसीएफ विल बिकम एस 8. देन एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम, दोनों नंबर के जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे इसमें 2 और 3 दो फैक्टर आ रहा है, दोनों का हाइएस्ट टर्म ले लेंगे हम लोग. तो 2 to the power 6 लेंगे और 3 का सिर्फ 3 है तो वही लेंगे. तो 2 के पावर 6 × 3 कितना होगा, दिस वन 64 × 3 कितना आएगा, 192. 64 × 2 की पावर 6 × 3 विल बिकम 192. नाउ आरएचएस में क्या बोला गया था कि एचसीएफ और एलसीएम को हम प्रोडक्ट करेंगे, करते हैं, आरएचएस इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. एचसीएफ इज 8, एलसीएम इज 192.
टू। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1536। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू ए सेफ ऑफ बोथ नंबर इंटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर। ये हमने इस तरह से प्रूफ कर लिया। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर गिवन क्वेश्चन इज गिवन दैट ए सेफ ऑफ 252 एंड 594 इज 18, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। हमें ए सेफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो हमारा प्रॉपर्टी में दो नंबर भी होता है, वो दो नंबर कौन सा है? ए एंड बी। वी कैन राइट एज इफ द गिव टू नंबर आर 252 एंड सेकेंड नंबर इज 594, क्या होगा प्रॉपर्टी मेरा? ए मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू ए सी एफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी। ए बी का एल सी एम और ए बी का एस सी एफ एंड ए बी का एल सी एम और उन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारा प्रॉपर्टी मुझे पता है कि होता है। इन चार चीज में हमें क्या क्या दिया हुआ है? ए इज गिवेन 252, बी इज ऑल्सो गिवेन 594, एस सेफ इज ऑल्सो गिवेन दैट इज 18 एंड वी हैव टू फाइंड द एल सी एम। क्या करेंगे? एल सी एम निकालना है, 18 को लेकर नीचे चले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी दैट मीन्स 252 एंड 594 इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाइड बाई 594 डिवाइड बाई 18। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा आएगा 149688। ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको हम 18 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 8316। ये सॉल्व करके देख लेना इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दिस वन और 18 से डिवाइड करेंगे तो 8316 आएगा, जो कि मेरे जो क्वेश्चन में फाइंड पूछा था एलसीएम, वो हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 252 एंड 594। तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी का भी एससीएफ या एलसीएम दो नंबर का फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन द एससीएफ ऑफ टू नंबर एंड द एलसीएम ऑफ द टू नंबर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एससीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और एक नंबर हमें दिया हुआ है, हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो सेम प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। ये हमें प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है, ए इंटू बी दो नंबर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक नंबर दिया दैट इज 161। इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। सेकेंड नंबर फाइंड करना है, उसको हम अभी बी छोड़ देते हैं। ठीक है, एस सी एफ इज गिवन 23 इंटू एल सी एम गिवन 1449। इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एज 161 से तो ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? 23 इंटू 9 दैट इज 207। ये हमें सेकेंड नंबर फाइंड हो गया, हेंस द अदर नंबर इज 207। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। दैट मीन्स कि अगर हम दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इवन आएगी हमेशा, लेकिन वन मोर कंडीशन इज कि जो वैल्यू आएगी वो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो कोई नंबर जब किसी से डिविजिबल नहीं होता है दैट मीन्स कुछ रिमाइंडर हमें आता है। दैट मीन्स कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो इवन तो होगा ही होगा और 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमें शो करना है। ये क्वेश्चन हमारा है जो कि यूक्लिड्स डिविजन लेमा के बेसिस पर है। ठीक है, वो हमें यहाँ साफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये बताइए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2q+1 जो होता है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हमेशा वो आता है। हम ये लिख सकते हैं एन ऑड
positive integer is of the form 2q plus 1. 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन प्लस 1 रिमाइंडर. जब भी ये जो केस हमने बनाया 2 की प्लस 1, ये हमेशा हमें ऑड नंबर ही देगा, इवन कभी नहीं देगा. तो हमने लिख लिया कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया कि 2q प्लस 1 के फॉर्म में हमारे पास है. दूसरी बात, जो x और y दिया है वो कह रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है. तो बेसिकली है क्या xy आर डिविडेंड. तो इन दोनों को हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर के टर्म में लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे देखो, हम क्या बोलेंगे कि x is equal to किस फॉर्म में होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो फॉर्म क्या होगा, 2q plus 1. वी कैन राइट एज x is equal to 2. अब यहां पर q को कुछ और एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहां हमारे पास दो चीज है, एक है x और एक है y. तो x में एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो होगा m है, तो 2m plus 1 ये हमारा आएगा x में. अच्छा, ये तो हमेशा हमें ऑड देगा नंबर, 2 इंटू एम प्लस 1 हमेशा हमें ऑड देगा, दैट इज x. दूसरी चीज y को अज्यूम कर लेते हैं 2n plus 1. y भी क्या हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर. क्यों? क्योंकि 2n plus 1 के फॉर्म में है. m और n दोनों यहां पर क्या है, इंटीजर्स, ठीक है. जो कि m यहां पर क्वेश्चन है इस x वाले में और n यहां पर क्वेश्चन है y वाले में. कंडीशन ये हो गया कि m एंड n आर इंटीजर्स, ठीक है. इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. अब हम लोग जिस तरह सॉल्व करते हैं वही सॉल्व वैसे करेंगे. क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, 2m plus 1 द होल स्क्वायर कितना आएगा, 4m square plus 4m plus 1. और जब y का सॉल्व करेंगे y स्क्वायर तो वो आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. ये हमारा आ गया x स्क्वायर और ये हमारा आ गया y स्क्वायर. अब उसने बोला है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा. यहां से एक चीज गौर करो कि इन दोनों में अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं. क्या कॉमन आएगा, 4. तो 4 क्या बचा, 4m square plus m, और 1 को छोड़ते हैं बाहर, ठीक है. ये हमारा x square हो गया पूरा प्लस y square. y में देखो कि इन दोनों में 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, n square plus n, और प्लस 1 बाहर में ऑलरेडी है मेरे पास. अब ध्यान दो कि 1 plus 1 2, इसको बाहर छोड़ देते हैं और इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं. क्या बचेगा, 4 कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा m square plus m और यहां बचेगा n square plus n. हमने इसमें से और इसमें से 4 कॉमन लिया है तो ये बचेगा m square plus m और यहां पर बिग साइन आएगा प्लस का और यहां पर आएगा n square plus n और एक्स्ट्रा में 1 plus 1 2 यहां पर हमारा बच जाएगा, ठीक है. अब ध्यान दो कि 4 हमने इन दोनों से कॉमन निकाला था, है ना, इनसे भी निकाला था और इनसे भी निकाला था. यहां से निकाला तो बचा m square plus n plus यहां से निकाला तो बचा n square plus n. तो 4 into ये बचा और 1 plus 1 2. अब एक चीज गौर करो कि ये हमारा क्या बना रहा है. मुझे पता है कि m और n इंटीजर्स है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एज्यूम कर लेंगे क्या, लेट्स से q, एनीथिंग, कोई वेरिएबल हम q एज्यूम कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, 4 इस पूरे को मान लो क्या एज्यूम कर लो, q. क्यों, क्योंकि ये तो बनाएगा इंटीजर ही और हमारा उसको एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन प्लस 2. 4q प्लस 2 आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के फॉर्म में. अब यहां पर q क्या है वो लिख लेते हैं. q is m square plus m और प्लस n square plus n, ये हमारा q है मेरे पास, ठीक है. अब एक चीज गौर करो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किस फॉर्म में है, 4 into anything even number देगा और even number plus 2 that is even number देगा. तो ये हमेशा हमेशा क्या आ रहा है हमारा, even number ही आ रहा है. दूसरा चीज कि divisible by 4 है कि नहीं है, ये देखो इस पूरे टर्म में 4 into q, ये तो 4 से divisible है, remainder मेरा क्या आ गया, 2. अगर कुछ remainder आ रहा है तो वो क्या पूरा ये divide होगा,
अगर सिर्फ 4q आता तो हम कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4। जब रिमाइंडर 2 आ गया, कुछ एक्स्ट्रा बच गया है मेरा 4 से डिवाइड करने के बाद, तो ये 4 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो दोनों चीज मेरे यहां से प्रूफ हो गया। पहला चीज ये प्रूफ हुआ दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, क्यों? 4q प्लस 2 हमेशा इवन नंबर ही मेरा देगा। दूसरा चीज, एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ 4q होता तो 4 से डिविजिबल होता, प्लस 2 क्या होता है? रिमाइंडर। यहां रिमाइंडर मेरा बच रहा है तो वो 4 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। दैट मींस ये हमारा प्रूफ हो गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन एंड इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4। हमने क्या किया था? सिंपली x और y को ऑड के टर्म में लिख लिया था। ऑड क्या होता है? 2q प्लस 1, तो 2m प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया और हम एक फॉर्म बनाए जिससे हमें मालूम चल गया कि वो नंबर इवन है और 4 से डिविजिबल नहीं है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 255 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें क्या निकालना है? सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालो जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। दैट मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा? डिवाइजर होगा, और जिसको डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा? ये दोनों क्या होगा मेरे पास? ये होगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नहीं, सबसे लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड भी पूरा नहीं हो रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है कि रिमाइंडर मेरा 5 बच जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम लेट से 25 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? तो 25 को 4 पूरा डिवाइड नहीं किया, उसमें रिमाइंडर कितना आया था? 1। लेकिन हमें यह पता है कि ये रिमाइंडर 1 कब आता है? 55 से एक्स्ट्रा एक था मेरे पास। अगर 55 में 1 माइनस कर दिया जाए तो ये जो आएगा 24 वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल से बात है कि ये जो मेरे पास डिविडेंड दिया हुआ है उसमें 5 एक्स्ट्रा मेरे पास बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में 5 को हटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो तो अब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर को अगर डिविडेंड में से हटा दिया जाए एक्स्ट्रा को, तो जो बचेगा वो तो मेरा क्या आएगा? जो डिविजिबल होगा। अब बात है कि लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? SCF। तो सबसे पहला केस है कि पहले रिमाइंडर को इन दोनों में से रिमूव किया जाए ताकि वो जो नंबर बनेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स, किसे डिवाइड करेगा? इन दोनों को, लेकिन दोनों में 5 नहीं आना चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर को माइनस कर दो, जो बचेगा वही डिवाइड हो जाएगा। तो 245 माइनस 5 एंड 1037 माइनस 5। जब हम इसको माइनस करेंगे दोनों में 5 को, तो जो नंबर आएगा वो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और वो नंबर कैसा है? लार्जेस्ट। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे SCF। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा है वो क्या है? SCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों? लार्जेस्ट निकालना है। किसका? इन दोनों का। कितना आएगा? 240 एंड दिस वन 1032। तो इन दोनों का नंबर बताना है, इन दोनों का कंप्लीट डिविजिबल वो नंबर होगा और वो लार्जेस्ट नंबर है, इसलिए हम SCF निकालेंगे इन दोनों का। अब इन दोनों का SCF हमें फाइंड करना है, जैसे भी कर लें, जिस मेथड से भी करना हो SCF फाइंड करना हो वो हम कर सकते हैं। तो पहले SCF हम निकालते हैं फिर देखते हैं। तो SCF हम निकाल सकते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे SCF निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 240 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या होगा अगर सॉल्व करोगे? तुम्हारा आएगा 2 into 2, ये आएगा मेरे ख्याल से 2 आएगा 3 टाइम्स into 3 into 5। दूसरा निकालेंगे 1032, तो ये हमारा आएगा 2 into 2 आएगा 4 टाइम्स
इंटू थ्री इंटू 40, थ्री मेरा ये प्राइम फैक्टर आएगा। सब कोई इसको निकाल के चेक कर लेना कि हमारा सही है या फिर गलत है। आई थिंक यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर आएगा मेरा, यहाँ पर 3 ही 2 होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ क्या बनेगा, 2 cube इंटू 3 इंटू 43। ये हमारा आएगा प्राइम फैक्टर्स। सो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1032 विल बी, क्या होता है एचसीएफ, कॉमन टर्म्स का जो लोएस्ट पार्ट होता है वो होता है लोएस्ट पावर। तो क्या आएगा, 2 to the power 3 इंटू, और कॉमन क्या है 3, ये कितना आएगा 8 इंटू 3 दैट इज 24। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 24, और एचसीएफ क्या था मेरा, रिक्वायर्ड नंबर था। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 24। तो 24 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और उसमें 5 रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होगा। सो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पर ही है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है कि बताना है कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस टू नंबर्स लीविंग रिमाइंडर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि वो नंबर अगर 129 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 3, और 545 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 5। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली सेम स्टेप चलेगा, बस क्या हो जाएगा ऊपर में, बस यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स, किसे डिवाइड करेगा, इन दोनों को नहीं, इसमें से रिमाइंडर को हटा दो, जो बचेगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर एक्स्ट्रा आता है। तो डिवाइड्स 129 माइनस 3 दैट इज 126 एंड 545 माइनस 5 दैट इज 540 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसको। अब इन दोनों में बताना है कि इन दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर कौन सा डिवाइड कर रहा है। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या, पहली बात तो एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है वो कहाँ से निकलेगा, वो फैक्टर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे लार्जेस्ट, दैट विल बी एचसीएफ ऑफ 126 एंड 540, और ये क्या होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर हमें चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दिस, और जब सब कोई सॉल्व कर लोगे एचसीएफ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18। सॉल्व करके निकाल लेना आप, ठीक है, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई दीज 3 नंबर्स। अब यहाँ पर जो नंबर निकालना है वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, वो नंबर जो डिवाइडेड बाई, सॉरी, जो नंबर इन तीनों से डिवाइड होता हो, वो नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई दिस 3 नंबर्स। मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें डिविडेंड फाइंड करना है। लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, जब वो नंबर इससे 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 तीनों से जब डिवाइड हो रहा है अलग अलग, तो तीनों केस में रिमाइंडर 7 बच रहा है। तो सिंपल से बात यहाँ पर यह है कि क्या करेंगे हम लोग, जब डिविडेंड निकाल रहे हैं हम लोग, मान लो कि इन तीनों का हमने डिविडेंड, वो डिविडेंड निकाल लिया जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होने के बाद, डिवाइड तो हो गया कंप्लीटली, डिवाइड होने के बाद जब सीमेंट, मेरा सीमेंट रिमाइंडर बचा है मेरे पास, तो ये बताओ कि जो रिमाइंडर होता है वो किसका पार्ट होता है, वो होता है डिविडेंड का पार्ट। तो एट लास्ट मुझे उस रिमाइंडर को डिविडेंड को देना पड़ेगा, मतलब मुझे डिविडेंड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि वो पहले इन तीनों डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 हो गया। तो लेकिन ये कह रहा है कि रिमाइंडर 7 बचा है, तो हमें 7 को लास्ट में डिविडेंड को देना पड़ जाएगा, और इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा डिविडेंड, उसमें 7 हम लास्ट में ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये कह रहा है कि इन तीनों से डिवाइड हो, जब इन तीनों से निकालना है, मतलब तीनों में जो तीनों होगा, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। तो पहली चीज़ तो कॉमन निकालना है, उसमें क्या निकालना है, कॉमन में हाईएस्ट या लोवेस्ट, तो हमें निकालना है लोवेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो वो क्या बताएगा कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से कि हम पहले एलसीएम निकालेंगे, किसका, एलसीएम ऑफ
35, 56 एंड 91। इससे हमें कॉमन वो नंबर मिल जाएगा तीनों में से जो इनको डिवाइड करेगा। पहले तीनों कॉमन नंबर तो निकाल लिया जाए, ठीक है। तो कॉमन नंबर कौन सा है? LCM आएगा। LCM कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, क्या होगा ये 5 × 7, 56 इज 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है 91, 7 × 13, ठीक है ये फैक्टर्स आएगा। अब LCM क्या होता है? ये क्या लिखा है 5 × 7, ये क्या लिखा है 2 to the power 3 × 7, एंड दिस वन 7 × 13। LCM कहता है कि तीनों नंबर में जो कॉमन आ रहा है, सारे तीनों नंबर में जितने भी फैक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे कि 2 है 5 है 7 है और 13 है, सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर को हम ले लेंगे। जैसे 2 का कितना पावर है? हाईएस्ट 3, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? 5 सिंगल है, 5 ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है? 7 को हम लोग ले लेंगे। 7 पावर 1 ही तो है यहाँ पर मैक्सिमम पावर, और एक 13 बचा उसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 की पावर 3 × 5 × 7 × 13, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सॉल्व होगा, कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 3640। तो हमें ये मालूम चल गया कि इन तीनों नंबर से जब हमने कॉमन मल्टीपल निकाला, जो कि वो नंबर निकाला जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा, वो नंबर कौन सा आया? 3640। LCM क्यों निकाला हमने? क्योंकि बोला था स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब लीस्ट नंबर निकाला। ये तो अभी मेरे पास आ गया डिविडेंड। अब ये बताओ, ये तो डिविडेंड इसका आ गया। अब उसने कहा था क्वेश्चन में कि 7 रिमाइंडर बच रहा है तीनों केस में, तो जो 7 रिमाइंडर है वो किस में आता है? रिमाइंडर वो डिविडेंड का एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो अभी तो यहाँ पर 7 नहीं है, तो हमें जो नंबर निकलेगा मेरा, उसमें हमें 7 को इस डिविडेंड के पास मुझे देना पड़ेगा, ताकि वो कम्प्लीटली जो बड़ा सा वो जो नंबर है मेरा डिविडेंड वो बन जाए। तो एट लास्ट जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? 3640+7, दैट मीन्स आंसर विल बी 3647, मतलब 3647 ऐसा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, और 7 रिमाइंडर भी आएगा। तो 7 रिमाइंडर को दे दिया हमने, तो मेरा 7 रिमाइंडर यहाँ पर ये आ गया। तो इस ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कब रिमाइंडर एक्स्ट्रा होगा, कब रिमाइंडर ऐड करेंगे। जब डिविडेंड निकाल रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमें देना पड़ेगा, और जब डिवाइजर निकालते हैं तो रिमाइंडर को हटाना पड़ता है। बस यही एक डिफरेंस है, तो इसको अपना नोट कर लो। सो एट लास्ट, इफ यू लाइक टुडेस लेक्चर देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, सो थैंक यू।